भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस बार दोनों आमने सामने हैं और खुली जंग है। जी हाँ, खुली जंग। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का ऑलरेडी 3 गाना निकल चुका है। चौथा गाना जो आज उन्होंने पवन सिंह के साथ लेकर आए हैं वो है चुम्मा चाटी का पार्टी होए, और वो है वेब म्यूज़िक से, यानी भोजपुरी का एक बहुत बड़ा चैनल है वेब म्यूज़िक। 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और दूसरा गाना आया है पवन सिंह का। जी हाँ, पवन सिंह का जो गाना आया है वो गाना आया है वर्ल्ड वाइड भोजपुरी से। और आपको बता दें कि ये इस गाने से एक नया विवाद शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि इस गाने से एक नया विवाद शुरू हो गया है। शुरू ये हो गया है कि आज तक आरा पे गाने बने तो पवन ने कुछ नहीं बोला। अभी कुछ रोज पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना धमाका हुई आरा में आया होगा, आपने देखा और आपने सुना, सभी ने सुना। लेकिन उसके बाद अब जो गाना पवन सिंह ने लेकर आए हैं उस पर विवाद हो रहा है, छपरा के डांसर पर, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 8 घंटे हो गए हैं और लगभग 1.8 मिलियन व्यूज़, यानी कि 18 लाख लोगों ने इस गाने को देख लिया है। वहीं खेसारी लाल यादव के गाने की बात करेंगे तो उसे अभी तक तकरीबन 8.5 लाख लोगों ने देखा है। खेसारी का गाना पवन के गाने से बहुत पीछे है और अब पवन सिंह पर ये आरोप लग रहे हैं, खेसारी के फैंस आरोप लगा रहे हैं कि पवन ने अपने गानों में ऐड यूज़ किया है, इसे ऐड किया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गाने बजाए जाते हैं और फिर उन्हें एक साथ कंबाइन किया जाता है और तब उनको ऐड करके ये व्यूज़ बताए जाते हैं। तो इस तरह से जो कि आरोप लग रहे हैं पवन सिंह पर, हम ये नहीं जानते कितना सही है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। आप सभी जानते हैं शोबिज़ की यही सबसे खूबी है कि जो दिखता है वो बिकता है। शो मस्ट गो ऑन यहाँ का रूल है। जो के व्यूज आगे हैं, बात उन्हीं की होती है। तो आपको बता दें कि इस वक्त तो बात पवन सिंह की ही हो रही है कि 18 लाख व्यूज़ के साथ वो आगे चल रहे हैं, वहीं उनसे 10 लाख व्यूज़ कम है खेसारी लाल यादव के। और अब खेसारी का 3 गाना और पवन का, अब पवन सिंह के फैंस ये कह रहे हैं कि खेसारी के 4 गानों पे पवन का 1 गाना भारी हो गया है, इसलिए खेसारी लाल यादव के फैंस पवन सिंह पे ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको किसका गाना पसंद है। भाई, हमें तो दोनों का गाना पसंद है क्योंकि दोनों हमारे फेवरेट ही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के आन बान शान जो हैं ये दोनों, भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।